हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस रूट 5 एंड वाई इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 बाई 2 प्लस रूट 5, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको बनाने का दो तरीका है, आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम आपको हमेशा ये करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या पर देखिए एक्स का जो आंसर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसमें जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, उसके अंदर रूट है। वैसे y का जो आंसर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी इरेशनल है, इसके अंदर रूट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बनाइए, सबसे पहला काम आपको हमेशा ये करना पड़ेगा कि x के डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है, y के डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटा करके। आइए, गिवन है x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस रूट 5। आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर a माइनस बी के फॉर्म में है तो फिर उसे रैशनलाइज करने के लिए हमें a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 माइनस रूट 5 को हम 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर आपको ऊपर भी 2 प्लस रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, यहाँ भी 2 प्लस रूट 5 है, यहाँ भी 2 प्लस रूट 5 है, तो फिर ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर। और नीचे आप देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो फिर यहाँ पर आप लिखिए 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस की जगह माइनस, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ये मिल गया आपको 4, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और ये मिल गया आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में माइनस छोड़ देनी है, तो फिर ये न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे और फिर ऊपर से माइनस नीचे से माइनस को कैंसिल करें। आइए, ये हो गया 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो ये जो पॉजिटिव 9 है वो नेगेटिव 9 हो जाएगा और पॉजिटिव 4 रूट 5 नेगेटिव 4 रूट 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस 1। अब ये माइनस और ये माइनस आप कैंसिल कर लेंगे तो आपको x का आंसर मिल गया माइनस 9 माइनस 4 रूट 5। तो फिर आपको x का आंसर मिल गया माइनस 9 माइनस 4 रूट 5। अब हम y का आंसर निकालते हैं, सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। गिवन है आपको y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 5, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो a प्लस बी के फॉर्म में है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, तो 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर भी फिर 2 माइनस रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, डिवाइडेड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ये मिल गया आपको 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये हो गया 9 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ चुका है, तो आपको फिर न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो पॉजिटिव 9 था ये नेगेटिव 9 हो जाएगा और ये नेगेटिव 4 रूट 5 पॉजिटिव 4 रूट 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस 1। माइनस और माइनस साइन हम कैंसिल कर देते हैं, आपको वाई का आंसर मिल गया माइनस 9 प्लस 4 रूट 5, ठीक है। तो आपको एक्स का आंसर मिल गया, वाई का आंसर मिल गया। अब एक तरीका है, आपको देखिए इसमें फाइंड करना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर आप एक्स का जो आंसर मिला था उसका स्क्वायर कर सकते हैं, वाई का जो आंसर मिला ये वाला इसका भी आप स्क्वायर कर सकते हैं और दोनों के स्क्वायर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उससे और भी ज़्यादा इजी मेथड है। वो कौन सा मेथड है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपको आंसर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो बस अब आप क्या करें, आपको एक्स का आंसर मिल चुका है,
वाई का आंसर मिल चुका है, तो एक बार आप एक्स प्लस वाई का आंसर निकाल लें, एक बार आप एक्स माइनस वाई का आंसर निकाल लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए, वो भी इजी है, ये भी इजी है, ये ज़्यादा सही तरीका लगता है मुझे सॉल्व करने का। आइए पहले हम एक्स प्लस वाई का आंसर फाइंड करते हैं। एक्स का आंसर आया था -9 -4√5 और वाई का आंसर आया है -9 +4√5। ठीक है, इससे हम ऐसे लिख लें -9 -4√5, पॉजिटिव का साइन है, मतलब दोनों का साइन चेंज करना नहीं आपको, -9 एज इट इज़ आ गया, +4√5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये दोनों को आप कैंसिल कर लेंगे, -9 -9 कितना हो गया -18। अब हम एक्स माइनस वाई का आंसर फाइंड करते हैं। एक्स की जगह पुट करेंगे -9 -4√5, माइनस की जगह माइनस, और वाई का आंसर क्या था -9 +4√5, माइनस है यहाँ पर तो आप साइन चेंज करेंगे, -9 -4√5 ये हो गया +9 -4√5, -9 +9 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया -8√5। अब आपको एक्स प्लस वाई मिल गया, एक्स माइनस वाई मिल गया, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। एक्स प्लस वाई का आंसर आपको ऊपर मिल चुका है -18 और एक्स माइनस वाई का आपको अभी आंसर मिला था -8√5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -18 और -8 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, +144 और ये रहा √5। तो ऐसे आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके का दो तीन क्वेश्चन और है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक इसके बाद, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करिएगा। और भी इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उन सब का भी आपको लिंक क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज़रूर चेक करें।